ये पानी आया गर्म पानी, आपने इसको शावर किया खूब अच्छी तरह, ये इसका कॉन्टेक्ट एयर के साथ कॉन्टेक्ट हुआ, ये पानी ठंडा हो गया, यहाँ नीचे जमा हो गया, आपने दोबारा इस्तेमाल कर लिया। इसको हम क्या कहते थे, ओपन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम। ये ओपन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम जो है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी खराबी ये थी कि इसके जो लॉसेस थे पानी के वो 30-40% थे। ये लॉसेस नीचे से आपने जलाया और शावर कर रहे पानी, बहुत जगह पे भी आपने ये पहला सिस्टम था ओपन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम में, ये ठंडा हो गया। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें दो नुकसान होते हैं जब आप कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो बात दो बातें होती है, इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक कहलाता है एवेपोरेशन लॉसेस और दूसरा होता है विंटेज लॉसेस। एवेपोरेशन लॉसेस ये होता है कि जो हीट एनर्जी लिए हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकल के उड़ जाते हैं, टेम्परेट हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब हवा चल रही होती है तो उसकी हवा अपने साथ जिस पानी को ले जाती है उसको कहते हैं विंटेज। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होते थे, तो दुनिया ने कहा भाई ये भी अब कार्य करनी है। साइंसदान जो है वो आगे बढ़े और उन्होंने आगे कहा कि जी नहीं, अब इससे अलावा दूसरा सिस्टम आप कोई सोचते हैं कि जो ज्यादा बेहतर हो। फिर उन्होंने क्या किया कि एक कूलिंग टावर बनाया, ये आपने कूलिंग टावर बनाया और इस कूलिंग टावर का नाम रखा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। ठीक है, फोर्स ड्राफ्ट का मतलब ये आपने फैन लगाया, एफडी फैन कहलाता है, फोर्स ड्राफ्ट फैन चला दो, आपने नीचे से एयर दी और हवा ठंडी है, आप ऊपर से पानी शावर कर रहे हैं और ये एयर का कॉन्टेक्ट हुआ, एयर यहाँ से बाहर निकल गई, अपने साथ हीट एनर्जी ले गई, इसको कहते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। इसमें भी वही मसला था, इसके मुकाबले में ये बेहतर था, यहाँ विंडेज लॉसेस कम थे, ठीक है ना, एवेपोरेशन लॉसेस भी कम थे। तो अब दुनिया इस पर आ गई। उसके बाद जो है फोर्स ड्राफ्ट के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, इससे ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि फोर्स ड्राफ्ट के बाद एक दूसरा सिस्टम बनाया, एक पहला आया फोर्स ड्राफ्ट, दूसरा आया इंड्यूस ड्राफ्ट। पहले आपने पंखा नीचे लगाया था, अब आपने फैन इसमें लगा दिया, ये इंड्यूस्ड कर रहा है और आपने इसमें ऊपर तक लूवर्स दे दिए। ठीक है, और जब लूवर्स दे दिए तो यहां पर दूसरा काम क्या किया आपने कि इसके अंदर पैकिंग मटेरियल लगा to increase the surface area of water। ठीक है, जितना surface area ज्यादा होगा पानी उतनी जल्दी ठंडा होगा। आपने याद दे दिया, यह है induced draft। इसका वो था force draft, इसका नाम क्या रखा, induced draft। तो इसके अंदर उन्होंने देखा कि जी ये उससे ज्यादा बेहतर हो गया, उससे ज्यादा efficient है। ठीक है, जब ये उससे ज्यादा efficient है तो फिर पता चला कि भाई अभी इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या किया उन्होंने कि ऐसे ही कूलिंग टावर एक दूसरा बनाया, और ये लोअर जो लगाए वो सिर्फ नीचे लगा दिए बॉटम में। ठीक है, और बाकी सारा सिलसिला वैसे ही रहा। इसको कहा क्रॉस फ्लो और ये हो गया काउंटर फ्लो। ठीक है, ये काउंटर फ्लो। अब इंड्यूस ड्राफ्ट में दो आ गए, एक क्रॉस फ्लो, दूसरा
काउंटर फ्लो। ये क्रॉस फ्लो जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शुमार की गई। उसकी वजह क्या हुई, उन्होंने कहा कि जी ये वेपर्स जो यहाँ से जा रहे हैं ना, एवोपरेशन हो रही है, तो इसके अंदर हम एक चीज लगाते हैं जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ठीक है, वो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर की सूरत क्या होती है, इस तरह की होती है, यानी एयर तो यहाँ से बाहर निकल जाती है और वाटर मॉइस्चर टकरा के नीचे गिर जाता है, ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होता है। अच्छा, ये जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है, इसी तरह के ड्रिफ्ट एलिमिनेटर जो है ना आपके बॉयलर में भी इस्तेमाल होते हैं, उसे आप ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं कहते, उसे कहते हैं साइक्लोन सेपरेटर। उसको क्या कहते हैं, साइक्लोन सेपरेटर। वो क्यों लगाए जाते हैं कि स्टीम के साथ वाटर ड्रॉप्स मॉइस्चर ना जाए, सिर्फ स्टीम जाए, वो इस शेप के होते हैं बने हुए ड्रिफ्ट साइक्लोन सेपरेटर, आपकी बॉयलर ड्रम के ऊपर लगे हुए होंगे, कॉल्ड एज ए साइक्लोन सेपरेटर। सो नाउ दिस काउंटर फ्लो आर मच मोर बेटर रादर देन द क्रॉस फ्लो, एंड क्रॉस फ्लो इज मच मोर बेटर देन द फोर्स ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट इज मच मोर बेटर देन द ओपन स्प्रे पॉन्ड। सो दीज टेक्नोलॉजीज आर बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये तो बात हो गई यहां तक। इसके बाद जब हम इस पर आ जाए कि जी अब हमने तो ये कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो पानी है, जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं इस पानी को, तो एवोपरेशन तो होती रहती है। जब एवोपरेशन होती है तो क्या होता है कि इसकी साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। जब साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो आप कहते हैं कि जी पानी वाटर है आपका, वो आपकी ट्यूबों के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, राइट। तो पानी जो डिपॉजिट होता है तो उसमें दो फैक्टर होते हैं। एक तो फैक्टर ये होता है कि जी आपने इसके अंदर जो है वो साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना। तो एज पर माय रिसर्च, आपकी कंसंट्रेशन मर्जी जितनी इंक्रीज हो जाए, 2000 के बजाय 8000 TDS हो जाए, ना क्रूजन रेट बढ़ेगा, और ना ही आपकी मेटल की डिटोरिएशन होगी, ठीक है। वैसे जो साइंटिफिक तरीकेकार है वो ये है कि अगर तो आपके पानी में फर्ज कर ले 50 क्लोराइड आते हैं रॉ वाटर में, अब अपने क्लोराइड टेस्ट करें पानी में, ठीक है ना। तो अगर तो आपके पानी में 50 क्लोराइड आते हैं तो आप 300 क्लोराइड आपके पानी में अगर हो जाए मैक्सिमम, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं विद रेफरेंस टू 5। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है CN नंबर, कंसंट्रेशन नंबर। क्या कहलाता है, CN नंबर कहलाता है, कंसंट्रेशन नंबर। ये मैक्सिमम कहते हैं ये अलाउ है आपका कि 6 CN से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट फिर अगर इसके बाद क्या करेंगे, इस पानी को तो ड्रेन, अगर ये 300 हो जाएगा तो ड्रेन करना पड़ेगा आपको, और जब आप ड्रेन करेंगे तो वाटर आपका लॉस होगा। तो अब पता चला कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, बल्कि एक चीज मेंटेन करनी है जिसको कहते हैं IS। क्या IS? IS मीन्स लैंग्वियर सैचुरेशन इंडेक्स, ठीक है। लैंग्वियर सैचुरेशन इंडेक्स जो है pH माइनस pHs, कॉल्ड एज लैंग्वियर सैचुरेशन इंडेक्स। अब ये व्हाट इज pHs, मींस p कैल्शियम प्लस p एल्कलिटी प्लस, ठीक है, ये तीन चीजें हैं आपके पास, ये तीनों चीजें। आपकी pH जितनी आई फर्स्ट कर ली 7.8 आई है, इसमें से आप ये माइनस करें इन तीनों की वैल्यूज को सम करके, तो अगर
फर्स्ट कर लीजिए 7 जो है 79 है, माइनस कर दें। अगर आपका रिजल्ट स्लाइटली पॉजिटिव आता है तो आपका सिस्टम कभी क्रूड नहीं होगा, कभी क्रूड नहीं होगा। चाहे टीडीएस आपका जो है 2000 के बजाय 4000 हो जाए, 6000 हो जाए, नो, ये क्रूड नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए क्रूड नहीं हो सकता कि क्रूजन जो है ना वो क्या है, क्रूजन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड एज क्रूजन, ठीक है ना। और क्रूजन के लिए तीन चीजों का होना लाजमी है, पहली चीज ऑक्सीजन, मेटल और तीसरी चीज वाटर। ये तीन चीजें हैं, ऑक्सीजन, मेटल और वाटर। अगर ये तीन चीजें हैं, नोबडी कैन स्टॉप द क्रूजन प्रोसेस। इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को माइनस कर दें, यू कैन स्टॉप द क्रूजन प्रोसेस, ठीक है। तो आप ना मेटल खत्म कर सकते हैं, ना पानी खत्म कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन को तो खत्म कर सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है, क्या इसको ऑक्सीजन को खत्म कर दें? अगर हम ऑक्सीजन को खत्म कर दें तो हमारा क्रूजन प्रोसेस नहीं होगा। तो ये आईएसएस सैचुरेशन इंडेक्स टेक्नोलॉजी जो है वो यही है कि आप इसको इस तरह से मेंटेन करते हैं कि आपकी मेटलर्जी के ऊपर एक बारीक थिन लेयर चढ़ जाती है, पानी का उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं होगा। यू कैन मिनिमाइज द कॉन्टेक्ट ऑफ योर मेटल विद द ऑक्सीजन, ठीक है ना। यू कैन नॉट यूज ऑक्सीजन स्केवेंजर ओवर हियर बिकॉज इट इज जस्ट ओपन ओपन एटमॉस्फेयर, राइट। सो देन यू कैन मेंटेन द यू कैन से लाइक फेरिक ऑक्सीलेट लेयर Fe3O4 कॉल्ड एज Fe3O4 मीन ऑक्सीलेट फेरिक ऑक्सीलेट लेयर टू योर ऑल सिस्टम। इफ यू आर गोइंग टू मेंटेन लाइक दिस सैचुरेशन इंडेक्स मीन्स स्लाइटली पॉजिटिव, if the result is slightly negative or extremely negative, suppose your result is about to strong positive, then water having the scaling properties. If the likely saturation index is slightly positive, means your system is a corrosive. So if you are going to maintain and if you are going to protect your system, you must try to maintain slightly positive in your system. This is a very simple phenomena, and if you are going to drain your water in a day about 30 cubic meter due to excess TDS of your cooling system, of your cooling water, so it is very important to maintain slightly positive saturation index to avoid the wastage of 30 cubic meter water in a day. So you can conserve your water about to 30 cubic meter in a day, means you can save your 30,000 rupees in a day. This is all what the question. If you want to ask any question related to this, I'm trying to catch your language by word, then the oxidation is a main issue in the cooling tower system. Yes. Then when the IS number is goes up to positively, then the machine needs to be some maintained. Am I right? Yes, right. Means water, if you have a water, if you have cooling water, means you have a two properties. Like, one thing is your water is a corrosive or your water is having the scaling properties. Okay? Yeah. So this process, this technology teach you whether your water is a corrosive or scaling properties. If you are going to maintain this IS slightly positive, means your water is not a corrosive or not a scaling. Your equipment should be protect from corrosion, erosion and scale formation if the IS is slightly positive. So you are going to maintain your water capability like this slightly positive with the help of certain chemicals, and I would like to recommend which type of chemical you want to use in your system.
and it is very cheapest, no problem. Right now, if you are going to purchase cooling water treatment system, or you are going to chemical for cooling water treatment, and suppose it is about to maybe 30 or 40 or 1 lakh or 2 lakh rupees per month, so it is just you can spend only few thousand rupees, and you can maintain your system much more better than the which chemicals you are using. So you can save thousands of thousand rupees in a month. With your water means 30,000 rupees in a day to avoid the wastage of water, and you means more than 2 lakhs. How much, what is the price value of your chemical? For plant it is around 400,000 per month. Oh my god! For complete plant, including the boilers. Including the boilers, there is no need to spend 400,000. And that means water treatment plus production lines plus. No problem. And very good quality of chemicals, which I recommend you. You can spend only maybe 50,000 rupees or 1 lakh rupees. So you can save 300,000 in a month. So means you have plenty of money. That's why. Otherwise, it is your duty to learn and teach all things. Read all things, try to understand something about the water treatment system and what chemicals are required to maintain your system in a positive manner. And you, what is the procedure? This is called as a cooling tower system, cooling water treatment system. That is, IS is a cooling water treatment system. This is a very latest technology. Okay, and when? Can you, sir, explain about the PHS, the part? Hmm. TDS concentration, and that is P calcium and P alkalinity. What is the M value? M value means total alkalinity. Yes. P calcium means what is the concentration of calcium in water? Okay. So, sir, there is a follow-up question. I'm just a student learning from you. If we apply Fe3O4 layer on, let's suppose, our tubes, so applying that, wouldn't it cause the heat exchange efficiency to reduce? Mm-hmm. My question is simple. Understand. The efficiency of the cooling tower wouldn't drop there down? No. Means, applying this suppose, I understand your question. 1 millimeter scaling requires 7% more energy, right? Means 1 millimeter scaling required 7% more energy, while 13 millimeter scaling required 70% more energy. This layer is about to 0.01 millimeter. It is just only like you can say like this plastic. Okay. So there is no any negative impact of the heat transformation from the hot water to cooling water. Because you have two waters, like one is primary and second one is secondary. Water which want to cool, called as a primary water, and water which you would like to use for the cooling of that primary water is called as a secondary water. Understand? So think is that if you are going to maintain, because it is your responsibility. It is your responsibility to save your money, to save your metallurgy for your nation as well your organization too, because you are qualified person, you are working, you have been appointed your organization as a qualified person. Try to make, learn something, read something, apply something. It is your responsibility, being a Pakistani national, it is your responsibility to save your money, to save your metallurgy, to save your next generation. If you are going to categorize first, to save generation, save money, and save your
what is the other? Satisfaction. The self-satisfaction is very important. If you are doing some very good job, then satisfy with your inner side. If you can't, you just came in office, sit in your room and do just go back, not doing anything, means you are not satisfied. Recalling your zamir to do something for your organization. If you have any problem regarding this or any other problem, I will ask you, I will teach you, I will try to teach you. If I can't understand, I will make my own study, because I did my one PhD about in all systems. And I got presidential award in such type of professor. Okay? If you want